गुड मॉर्निंग माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एंड वेलकम टू एन अकेडमी देखिए कल के लेक्चर में हमने बात करी थी कि यूपीएससी के टेन टफ क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक सेक्शन से आए हैं आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर टू के अंदर द ट्वेंटी ईजीएसट क्वेश्चन आस्ट बाई यू इन द प्रिलिम्स पेपर सो दैट इज नॉट द कम्प्लीट से दैट इज जस्ट अ फर्स्ट राउंड ऑफ ईजी क्वेश्चन आस्ट बाई यू पी एस सी इन द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन देखिए पहली बात तो ये है कि किसी भी क्वेश्चन को आसान कहना या हलवा कहने का मतलब मेरा यहाँ नहीं है कि मैं उस क्वेश्चन की फीलिंग्स को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ दैट इज टोटली नॉट लाइक दैट आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो यू की तैयारी करते हैं या फिर तैयारी जो करवाते हैं दोज पीपल हु प्रिपेयर फॉर द यू पी एस सी एंड दोज पीपल हु प्रिपेयर द कैंडिडेट्स फॉर द यू पी एस दे गॉट टू बिलीव दिस थिंग कि जो क्वेश्चन एक बार यू के एग्जाम में आ गया वो अमर हो गया क्योंकि मान के चलिए वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे डिस्कस किया जाता है उसके बारे में चर्चा होती है तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि कोई अमर हो गया वैसे मान के चलिए वो क्वेश्चन अमर हो जाता है अब हमें ये तो पता नहीं है कि किस बंदे ने बनाया था या किस बंदी ने बनाया था हमें सिर्फ ये मालूम होता है कि ये क्वेश्चन आया है इस साल में आया है और ये क्वेश्चन अब यूपीएससी का है तो इसकी चर्चा रहेगी ठीक है तो देखिए आज के लेक्चर में मैं केवल आपको 20 क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं 2009 से 2014 के पेपर के बीच में यानी कि स्टिल ऑफ आर लेफ्ट दूसरी बात यह है देखिए कि किसी भी क्वेश्चन को इजी कहने का मतलब मेरा यह है कि उस कैंडिडेट ने एटलीस्ट बेसिक तैयारी करी है बेसिक तैयारी मीन्स वॉट कि आपने कोई कोचिंग नहीं ली है आपने कोई भी महंगी टेक्स्ट बुक नहीं खरीदी है जैसे होता है ना कि आपने देखा होगा कि अलग अलग जो पब्लिकेशन हाउस है उनकी इतनी मोटी मोटी बुक जीएस की आती है मैं ऐसी कोई बुक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं केवल ये मान के चल रहा हूँ कि आपने एक बेसिक जी की बुक की आ, आपने रेफ़र किया है और आप जानते हैं एक जो जी की बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली वेन यू टॉक अबाउट दी स्टेट ऑफ यूपी एंड बिहार क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इन दो स्टेट से प्रिपेयर करते हैं तो उस बुक का नाम है ल्यूसेंट जी ओके जनरल नॉलेज तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने वो बुक पढ़ी होगी और आपने उसकी एक सिंपल रीडिंग दी होगी उसके बेसिस पे मैं कहना चाहता हूं कि दिस क्वेश्चन आर द इजिएस्ट वन किसी भी क्वेश्चन के अंदर जो मैं बताने वाला हूं उसमें कोई कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है हाँ एकाधक क्वेश्चन हो सकता है इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको चाहिए हो बट उन क्वेश्चन के अंदर आपको कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए केवल और केवल अगर आपने उनको एक बार पढ़ा है बिकॉज कॉन्सेप्ट इज वॉट दैट यू नीड टू रीड एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओके बट हेयर दर इज नो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड जस्ट दैट यू कैन से इफ यू रेड इट एज अ पार्ट ऑफ न्यूज ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं माय नेम इज़ प्रतीक गुप्ता एज यू नो ओके आई एम इन द ऑफलाइन टीचिंग फॉर द लास्ट टेन इलेवन इयर्स एंड रिसेंटली आई जॉइन एन एकेडमी एंड यू नो दैट फ्रॉम एट्थ ऑफ सेप्टेंबर आई हैव स्टार्टेड माय यू नो दी आर बैच एंड फ्रॉम टेंथ ऑफ अक्टूबर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी कॉम्प्रीहेंसिव बैच वेरी सोन सो द टाइमिंग्स विल बी अनाउंसड मे बी बाई टुमोरो डे आफ्टर बिकॉज टाइमिंग्स आर ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड सो आई एम गोइंग टू अनाउंस इट वेरी सोन ठीक है why you need to choose an academy you know this thing an academy is the largest uh, platform to learn gs in india uh, uh, the toppers decided to come here for guidance so you also need to uh, you know come here for the sake of guidance then you can choose the top educator as per your liking then you can find us on the telegram channel and moreover on the community link of uh, an academy app then currently 20% off is going on so you can use my code here uh, pg upsc for the purpose of getting 20% off okay and then as you know that uh, in case of iconic course you need to pay 95 685 and you will be able to save 20% uh, of that because the original cost is 19000 and you need to pay around 95000 around for the plus courses for 24 months you need to pay 62000 around and the cost is 77000 so 20% you are going to save then the batches have been started from today in the bilingual and moreover in the Hindi medium. So you can join as per your convenience. Then after that, you know UPSC Sumba combat is going on. So the first thousand ranker will be able to get 50%, 30%, and 25% scholarship. Means test series has been started from 11th of September, so you can enroll for that. Iconic subscription benefit, you know, that all are mentioned in front of you. And then in case of any financial difficulty, you can simply contact our team for the purpose of getting 0% TMI. Okay. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा टू थाउजेंड नाइन के फिल्म में अपियर हुआ था आप मान के चलिए इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया है दैट इज आई वुड बिलीव इट इज नोन टू एवरी वन इवन यू नो इफ यूर बीन वॉचिंग एनी टेलीविजन लाइक बिजनेस न्यूज और यू कैन से बेसिक जी के यू आर बीन रीडिंग फ्रॉम एनी जनरल नॉलेज बुक then you know this thing MCX is nothing but a multi commodity exchange and what kind of options are being given here a kind of super computer title of moon impact prop stock exchange nuclear power summary dekhiye basic newspaper सब देखते हैं और मैंने आपको कल हमारा base है यहाँ पे ल्यूसेंट जीके का तो मान के चलिए ये news आपको हर जगह ये point आपको हर जगह किसी भी textbook में मिल जाएगा so you know this thing what is the answer answer is स्टॉक एक्सचेंज मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंजी नेक्स्ट क्वेश्चन इन दी विच वन ऑफ दॉज दर्स्ट इवेंट टू टेक प्लेस अब देखिए जब भी आपको जीके की बुक पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग टाइम में खासकर जब आप पढ़ते हैं कि जो नेशलाइजेशन प्रोसेस है तो उसमें हर जगह आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर क्रोनोलॉजी दी होती है

एनी टेक्सट बुक इफ यू टेक ओके एंड आई टोल्ड यू द बेस इज वॉट यू नो दिए अगला क्वेश्चन नामा इलेवन ग्रुप ऑफ कंट्रीज फ्रीक्वेंटली अपियर इन द न्यूज इन दफेयर्सोइंग आप मान के चलिए हर साल हर साल कोई न्यूज पेपर ले लिये कुछ भी ले लीजिए उसमें आपको डब्ल्यू टी यू की डिस्कशन हर जगह मिलेगी साथ ही साथ कोई भी बुक लेंगे आप जीके की तो उसमें आपको देखेगा कि उसमें दिया गया है डब्ल्यू टी की अलग अलग टर्म्स नामा हो गया एस एन डी हो गया यू नो स्पेशल सेफ गार्ड मेजस हो गया पीस क्लॉज हो गया दर आर सो मेरी टर्म्स है सो इट्स नॉट लाइक दैट यू नीड टू नो वट इज नामा बिकॉज आई एम टेलिंग यू अंडरस्टैंडिंग नामा इज हैविंग सो मेनी थिंग्स लाइक यू नीड टू नो अबाउट दी समथिंग कॉल्ड टेरिफ अ पार्ट ऑफ इट दर इज अ वन मोर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नामा हेयर दैट इज कॉल्ड एज अ स्विस फॉर्मूला ऑल्सो that you also know there is a some sort of dispute between the developed and developing country regarding the NAMA issue non-agriculture market access that means they are talking about the access of the agriculture non-agriculture market in case of developing country yani ki jo industrial product hai manufactured product है उनकी access के बारे में बात की जाती है कैसे duty reductions से आप देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा गया इसमें केवलो केवल एक simple चीज पूछी कि NAMA किससे related है और आप जानते हैं

सिचुएशन कॉल्ड इंपोर्ट सर्च यानी कि इम्पोर्ट आपके देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ रही है और सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या है प्राइसेस कम हो रहे हैं सो बिकॉज ऑफ दैट वेन द डोमेस्टिक आर द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री कैन इंक्रीज दी इंपोर्ट ड्यूटी और दे माइट सिंपली पुट एन यू नो बैन ऑन दी इंपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर थिंग अब देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया केवल और केवल पूछा गया स्पेशल सेवकट मेसिस नाम का जो टर्म है वो कहाँ पे है किस से रिलेटेड है और आप जानते हैं इट इज रिलेटेड टू दू टी एम सिंह नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आप मान के चलिए ये क्वेश्चन मैं कहूंगा इतना ईजी नहीं है बट मैंने इस क्वेश्चन को इस पर्टिकुलर सीरीज में क्यों रखा है क्योंकि वेर इट कम्स टू प्रिपेयरिंग द यू पी एस सी एग्जामिनेशन पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक रेट दे आर रीडिंग द बैंक रेट एस एल आर दे रीडिंग दी आर आर यू नो दे आर रीडिंग रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट ये वो चीजें हैं जो मान के चलिए कोई भी कैंडिडेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है चाहे वो यूपीएससी का आपका सिविल्स का एग्जाम हो चाहे वो बैंक का एग्जाम हो चाहे वो कोई भी स्टेट सर्विसेज का एग्जाम हो हर कोई इस पर्टिकुलर यू नो चीजों को पढ़ता ही पड़ता है अब देखिए आप जानते हैं विच ऑफ दी फॉलोइंग टर्म इंडिकेट्स अकेनिजम यूज बाई कमर्शियल बैंक प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू दी गवर्नमेंट आप जानते हैं कि इन केस ऑफ स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो

नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ये जो टर्म है जो ये क्वेश्चन है आप मान के चलिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट आई थिंक नहीं होगा जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए स्टॉक मार्केट के जब बारे में पढ़ते तो बुल और बियर के बारे में स्टडी ना करें बुल आप जानते हैं नॉट दैट बुल दैट यू गेट इन दी यू नो इन दॉरेस्ट नो आई एम नॉट टॉक दैट एंड नॉट दैट बियर आई एम टॉकिंग अबाउट टर्म्स रिलेटेड टू दी स्टॉक मार्केट सो दैट्स दे देश मैं इन दैरेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट

और जब हम बियर की बात करते हैं तो आप जानते हैं बात करते हैं मार्केट के नीचे जाने की सो ऑब्वियसली आउट ऑफ दिस फोर स्टेटमेंट एज द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल टू आंसर द आंसर इज ए गेटिंग आई एम तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ठीक है कोई इसके अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं केवल ये जानना है कि मार्केट अप हो रही है डाउन हो रही है एंड द नेक्स्ट वन अब देखिए ये जो चीज है कि जो भी कैंडिडेट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में पढ़ता है आप कोई भी जीके की बुक उठा के देखेंगे उसमें सबसे पहली लाइन ये लिखी होती है कि दे हैव समिंगल्ड एस डी आर विच इज नोन एज एन आर्टिफिशियल करेंसी एंड ऑल्सो नोन एज यू नो पेपर गोल्ड ऑल्सो ठीक है तो उस केस में जैसे ही इस क्वेश्चन को आप यूपीएससी प्रीलिम्स में देखेंगे या किसी भी एग्जामिनेशन में देखेंगे देन विदाउट एनी डाउट यू विल सिंपली मार्क दी एस डी आर एस एन आंसर एडीआर जीडीआर जो है ये स्टॉक मार्केट की टर्म है ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट है ठीक है बट द पॉइंट इज वॉट ये जो टर्म है ये सबको पता है इसे बोलते हैं स्पेशल राइट हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार ओके सो दैट इज समथिंग इज वेरी सिंपल टू टू आंसर नो नीड सो दे नॉट आस्किंग हाउ दी आर इज वर्किंग एस डी आर आपको काम करने का तरीका नॉट एंड सिंपल थिंग इट्स अ इट अफ ए क्योंकि इसके अंदर और भी कई सारे कॉन्सेप्ट जुड़े जाते हैं बट सिंपल है आसान है बड़े आराम से आप इसे मार्क कर सकते हैं अब देखिए अब देखिए ये क्वेश्चन आप केवल और केवल अपनी कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं आप जानते हैं आज के टाइम में हर किसी का बैंक में अकाउंट होता है और जब बैंक में अकाउंट की आप बात करते हैं तो आपको पता है कि अलग अलग बैंक अलग अलग इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर करती है कि आप इतना इंटरेस्ट इस बैंक में इतना इंटरेस्ट रेट इस बैंक पे इतना सेविंग अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा नॉर्मली आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं ठीक है उनमें आपको इंटरेस्ट रेट कम देखने को मिलता है

none of the above it's the bank itself who will decide that how much amount of interest they want to basically provide to the customers getting what i am trying to say now see the next question simplest question i would say ever asked by upsc in the prelims examination a closed economy is an economy in which you know this thing a closed economy is one which is not having any contact with the rest of the world and they're not allowing the people from outside to come inside the country for the purpose of trade so when you read the options here टेक इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन वो क्वेश्चन है कोई भी बेसिक जगह से पढ़ के सोल्व कर सकता हलवा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एब देखिये क्वेश्चन देखने में तो बहुत लंबा है बट वेन यू रीड द क्वेश्चन यू विल फाइन द क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल वट इज द क्वेश्चन इज बिंग आस्ड माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेस एवरी वन नो वट इज माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस बेसिकली वैन द लोन आर बी गिवन टू समी फो दी पर्पज ऑफ बेसिक बिजनेस स्मॉल बिजनेस जैसे मान लीजिए किसी को छोले भटूरे की दुकान लगानी है किसी को पकौड़े तलने हैं या कुछ भी बेसिक काम अगर आपको करना है तो उस केस में यू कैन सिंपली गो टू दिस माइक्रो फाइनेंस कंपनी एंड दे विल प्रोवाइड यू दी लोन्स नाउ कैन सी माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रोप फॉर श्योर दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर्स इन सेल्फ एम्प्लॉयड सर्विस सर्विस अंडर माइक्रो फाइनेंस इज आर क्रेडिट फेसिलिटी से आप जानते हैं कि ये जो कंपनी होती है केवल आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं दे आर नॉट प्रोवाइडिंग विनी अदर फेसिलिटीज इन केस ऑफ योर्क बिकॉज सेल्ड इंश्योरेंस कंपनीिटी अगेन बिन गिवन बाई होम बायक्सो इन दिस केस The answer is very simple the answer is a here that is one only see the next question ab dekhiye imf yani international monetary fund ke bare mein baat ki ja rahi hai aur aap jante hain when it come to international monetary fund the countries are member to it aur aap jante koi bhi jo agency hoti hai वो normally केवल और केवल अपने members को ही loan देती है. options देखिए, it can grant loans to any country it can grant loans to only developed country

कोई भी बुक उठा के देख लीजिए जीके की जब आप बैंकिंग का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लीड बैंक स्कीम और सर्विस एरिया अप्रोच उसमें हर जगह आपको इन दो स्कीम्स के बारे में जानकारी मिलेगी और साफ साफ सिंपल सिंपल शब्दों में लिखा होता है कि वेन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड द नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक दे इनिशिएटेड द स्कीम फॉर लीड बैंक स्कीम where they simply ask the bank to go and adopt the various districts for the purpose of initiating intensive development over there. getting what i'm saying, abdicate the option, the big banks should try to open offices in each district. there should be stiff competition among the various nationalized banks. individual banks should adopt a particular district for intensive development, and all the banks should make intensive efforts to mobilize deposit. you know this thing. what is the answer? the answer is c here. What I am आप जानते हैं, इस स्कीम के अंदर सारे बैंकों से बोला गया कि आप जाइए डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट कीजिए और वहाँ पर जाके अपनी ब्रांचेस खोलिए वहाँ की अथॉरिटीज के साथ अलाइंट कीजिए वहाँ की प्रॉब्लम्स को जानिए और उसके बाद लोन प्रोवाइड करके वहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए so, a, a very simple thing that you need to know and you will be able to answer this question from 2012 prelims they asked go for the next one ab dekhiye बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी फैक्ट कोई भी कॉन्सेप्ट कोई भी रिलेटेड चीज नहीं पूछी गई केवलेंस ऑफ पेमेंट अंट्रीज सिमैिक डॉलर और फॉरन करेंसी गोइंग आउट अ अंट्री दैट इज वॉटेंस ऑफ पेमेंट प्रोवाइड्स a during year during a given year normally a year goods exported कंट्री one इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू during मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू given period ऑल इंपोर्टेंट year. गिवन पीरियड the इज द राइट आंसर वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है क्योंकि देखिए बीओपी एक ऐसी चीज है जब आप पढ़ते हैं तो हर कोई पढ़ता है कि अंदर इसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है बैलेंस ऑफ इनविजिबल होता है जो भी इंपोर्ट हो रहा है जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स के अंदर सर्विसेज के अंदर कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारे इसके अंदर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इट डजन मैटर वेदर थिंग्स वे कमिंग इन एंड थिंग्स गोइंग आउट ओके यू नीड टू रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन एंड दैट इज सपोज टू बी मेटेन बाई होम यू नो दिस थिंग इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू मेंटेन इट और आप जानते हैं कि क्वार्टरली बेसिस पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड देन आफ्टर दैट यू आर बिंग एबल टू गेट द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली बेसिस ऑल्सो सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सी डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स जिसे आप बोलते हैं छुपी हुई बेरोजगारी प्रचन्न बेरोजगारी हिडन अनएम्प्लॉयमेंट पता नहीं कितने तरह के नाम दिए गए हैं और आप जानते हैं डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी चीज है जो आपको एनसीआर में मिलती है और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा और आप जानते हैं इट बेसिकली मीन्स वेन दी मोर नंबर ऑफ पीपल आर वर्किंग इन कंपेरिजन टू दिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल सी लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ऑल्टरनेटिव अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल मार्जिल प्रोडक्टिविटी ऑफ लास्ट लेबर इज जीरो एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो आंसर इज सी ओके से सर इसके लिए तो मार्जिल प्रोडक्टिविटी के बारे में जानना चाहिए और आपको पता है कि जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को किसी भी बुक में से पढ़ते हैं तो कोई बहुत टेक्निकल नहीं उसमें सिंपली बताते हैं कि एक चार गुड्स बना रहा है दो छः गुड्स बना रहा है तीन आठ गुड्स बना रहा है चार भी आठ बना रहा है पांच भी आठ बना रहा है दैट मीन्स

बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई दी आई अब आपको ये नहीं जानना है इसके अंदर कि भैया उससे लिक्विडिटी ज्यादा होती है कम होती है सिंपल लाइन परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय दी आरबीआई यू नो दिस थिंग इन केस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूजिंग दी रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट फॉर दर्पज ऑफ इंक्रीजिंग लिक्विडिटी और यू कैन से फॉर डिक्रीजिंग लिक्विडिटी एंड In the current time, there is a lot of uh, changes have been made by the Reserve Bank of India regarding the repo rate and reverse repo rate. Because you know this thing, now they have a thing called standing deposit facility also. तो so, ये सारी चीजें हमने कोर्स के अंदर कंप्लीट करते हैं और आप जानते हैं, यहाँ तो बहुत ही सिंपल है। कैसे भी क्वेश्चन्स अगर आपके पेपर में आ जाए, then you will be able to mark it without any problem, okay? अगला क्वेश्चन देखिए। Priority sector lending by banks in India constitute the lending to आप जानते हैं पीएसएल की जब बात होती है तो एग्रीकल्चर को छोटी कंपनियों को गरीब को सबको इसके अंदर लोन दिया जाता है kind of technical is a part of it, क्योंकि देखिए लेंडिंग बिल्कुल बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं है सिंपल है बट हा अंडर दिस वेन यू रीड अबाउट लेंडिंग सर्टिफिकेट दैट इज कंपेर लिटिल टेक्निकल टू अंडरस्टैंड तो वो तो पूछा ने, ने क्या पूछा से पी एस एल के अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है एंड यू नो दिस थिंग ऑल ऑफ देम आर बेसिकली पार्ट ऑफ द बींगल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन अगेन अ वेरी सिंपल यूपीएससी इकोनॉमिक ग्रोथ इन एनी कंट्री विल हैव टू अकर बेसिक भी अगर आपको पता है कि ग्रोथ तभी होती है जब असेट क्रिएशन होती है और जब आप चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा टेक्निकल प्रोग्रेस ऑब्वियसली नो पॉपुलेशन ग्रोथ वो तो हर सेकंड होती है हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन येस अ सेट क्रिएशन इज बेसिकली बींगी सो वॉट इज दर द आंसर इज सी सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगले देखिए द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू वॉट आप जानते हैं नेशनल इनकम इज वॉट इट इज मेनली अबाउट द इंडियंस ओके एंड वेन यू टॉक अबाउट इनकम ऑफ ए कंट्री इवन वेन यू रीड द स्टेटमेंट लाइक दिस टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाई देशनल समोटल कंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मनी वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नॉर्मली देखिए आपको अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में आपको ए और डी के बीच में कंफ्यूजन देखने को मिलती है बट आई एम टेलिंग यू इफ यू किंपल एक्सप्लेन सिंपल लॉजिक मोदनल इनकम तो टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विस किसके बारे में बात की गई है बाई द ने कंट्री बिकॉज एयर टॉकिंग अबाउट वॉट GNP here. so in this way option A should be the right answer. Getting what I'm trying to say, so that is the right answer in case of question number, you know this in 2013 prelims. अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा जो बहुत ही इजी तरीके से मैं मान के चलिए मैं कहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन झोली में आगे गिर जाते हैं जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना पेपर के अंदर अबे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं यूपीएससी ने ये तो बहुत ही सिंपल है यार क्योंकि okay? नाउ see वन one एम terms MSF rate and the ndtl sometimes appearing in the news are used in relation to what you know this thing it is more about what it is banking operations only abjante msrf and the current rule is that the repo rate plus 0.25% is the interest rate under which a bank can borrow for one day only that means on the overnight basis they can simply borrow okay and when you talk about the ndtl ndtl is nothing but the total deposits of the bank okay in the demand deposit, you know what kind of deposit has been included. You are including the current account deposit and you are including the saving account deposit in case of demand deposit. And when you talk about the time liabilities, time liabilities are what that you have the uh, the fixed deposits here. And why these are being called as a liability on the part of bank because the money belongs to the depositors and the banks need to give it back when you will demand it. That's why the name has been given liability here. So they're not asking you the concept of asset liability and and the other. They are simply asking you. ये टर्म्स जो है रिलेटेड किससे हैं सो यू नो दिस थिंग ऑपरेशन आप इनके ऑप्शन देखिए कम्युनिकेशन नेटवर्किंग मिलिट्री स्ट्रेटजीज जैसे यहाँ पे बम फोड़ना है पाकिस्तान में जाके हमें या फिर हमें किसी और कंट्री में जाके बम फोड़ना है जिनसे जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या फिर जिनसे भी हमारा कुछ भी प्रॉब्लम होता है जैसे आप जानते हैं चाइना के साथ अगर आप बात करें बार बार हमारी कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर आ जाते हैं ठीक है पाकिस्तान की बात करें सो दे आर देो क्रिएटिंग लॉड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज इन केस ऑफ आर कंट्री तो हमें पे मिलिट्री स्ट्रेटजीज से थोड़ी इन चीजों से बात करनी है

ट्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट दिसन टलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन सो समाउ आई रिपीटेड वन क्वेश्चन अ प्रॉब्लम अगली बार बीस की जगह इक्कीस कर लेंगे वी विल सिंपली इंक्रीज वन क्वेश्चन बट दैट इज टेल यू सो द पॉइंट इज वॉट कि क्वेश्चंस देखिए हमेशा कुछ ना कुछ सिंपल होते हैं बट मैं आपको बताऊं अगर आप और सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे जैसे अगर आप बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में मान के चलिए चाहे आपको कॉन्सेप्ट इन द सेंस यू नीड टू रीड द थिंग्स इन अ बेसिक वे कि उसमें आपको बताया जा रहा कोई टेक्निकलिटी नहीं है बट फिर भी मान के चलिए कहीं ना कहीं वो दिमाग में आपके बैठे होना चाहिए हिस्ट्री का आपको पता ही रट्टा है तो ठीक है हिस्ट्री में अगर आपको पता है इवेंट हुआ था इन भाई साहब ने किया था इन मैडम ने किया था जो भी किया था कौन सा इवेंट कब हुआ था किस लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ठीक है बट मान के चलिए हमारा जो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन होता है कहीं ना कहीं टेक्निकल तो है बट अगर एक बार टेक्निकलिटीज क्लियर हो गई तो मान के चलिए क्वेश्चन आर कंपेरेटिवलीजी तो मेरा यह मानना है कि दिस इज वन ऑफ द एरिया वेर यू कैन सिंपली हैव ए गुड होल्ड एंड यू कैन सिंपली सोल्व ऑलमोस्ट से पासिंग द प्रसामिनेशन विल बिकम कंपेरेटिवली

and economy environment and science and technology tuesday wednesday 5 pm and for this this is currently going on so today you have a polity current affairs and ir so 7 pm you can simply tune you can register with the help of this particular qr code and you can register okay and that is all i need to tell you so please 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 subscribe to our channels on the you know youtube on the telegram or wherever you know the things are being so all the descriptions are being given in below the video so you can simply check and you can find out and please to see my other videos there is a separate series has been made for it so in the past we have made a lot of videos about the gst you know on the essential item we have also made a lot of video about the fraud registry we have also made a very interesting video regarding the do we have tax on clean air so as you know pollution is a lot of pollution is there in case of our country so do we have uh, Text on clean air, so that you can also refer. That was my first lecture when I joined the UN academy. So please stay tuned. Thank you very much. Bye bye and take care.